हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी टीचर एग्जाम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आजकल जिस तरह नेट JRF इस तरह के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक मानसिक रूप से अस्वस्थ क्यों होते हैं, वाई डू टीचर बिकम मेंटली अनहेल्दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी टीचर हैं उनके लिए भी ये बात जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं रहता। तो ये सभी टीचर्स के लिए टॉपिक भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप शिक्षक हैं जो या जो शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ क्यों होना जरूरी है उनका। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कारकों का पता लगाया है जिसके कारण जो शिक्षकों की है वो मानसिक स्वस्थता होती है वो बिगड़ जाती है। तो कई कारक ऐसे, पहला तो कारक है इनमें शारीरिक कारक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या अध्यापक है कोई भी, उसका यदि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह अक्सर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और सामाजिक अस्थिरता भी पाई जाती है उसके, सामाजिक मतलब अचानक से बदलने लग जाते हैं, मतलब एकदम स्वयंगों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी कहीं किसी समय के कारण मतलब उसको दिक्कत होती है, कभी किसी समय के कारण दिक्कत होती है। तो ये स्वयंग होते हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब स्वयंगों से क्या तात्पर्य हमारा, स्वयंग जो हमारे मन में जो विचार हैं भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं तरह तरह की, उन्हीं को बोलते हैं हम स्वेग। सामाजिक विकास नहीं हो पाता अच्छी तरह से यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जैसे आर्थिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमुख कारण, मानसिक रूप से कई शिक्षक अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनका अध्यापन में भी मन नहीं लगता इसके कारण, और वो उसके कारण अब्सेंट माइंडनेस, ये क्या होती है कि मतलब आप बैठे तो कहीं पर सोच कुछ रहे हैं, इस तरह की समस्या अध्यापकों में आ जाती है, इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य गिरता जाता है धीरे धीरे। अगला है तीसरा कारक, शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक क्या होते हैं, कई शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जहाँ शिक्षकों से ज़्यादा कार्य करवाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उनकी जैसे कई जगह पर वेतन नहीं दिया जाता और उनका पुस्तकालय नहीं होता अच्छी तरह, उनके बैठने उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती, एक ये बड़ा कारण है, और दैनिक मजदूरी की प्रथा, ये कई कारण है जिसके कारण शिक्षकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी और अन्य मोटिवेशनल वीडियो की जो आप नोटिफिकेशन चाहते हैं उसके लिए बेल आइकन को दबा दो और चैनल का सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दो, और वीडियो को अभी लाइक कर दो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो। और चौथा कारक होता है मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाला शिक्षकों का अनुवांशिकता। कुछ शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य वंशागत कारकों से भी प्रभावित होता है, जैसे उनके माता पिता किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो ये भी हो सकता है कि वह शिक्षक भी जिसके माता पिता अनुवांशिक रोग से ग्रसित हैं वो भी इस रोग से ग्रसित हो, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। चौथा कारक था ये अनुवांशिकता, अपने ध्यान रखना है, अनुवांशिकता से भी शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या होता है कि शिक्षकों का जो समाज में उनका रुतबा है कई बार उसका, मान लीजिए समाज में रहता है, समाज के लोगों द्वारा तिरस्कार किया जाता है या उसके घर में कलहपूर्ण स्थिति रहती है, कई सदस्यों द्वारा उसका निरादर किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इसी के कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। और एक ये अपने मनोवैज्ञानिक थे सेकर्ड ने पाया कि जिन शिक्षकों की पारिवारिक जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं होता उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता। तो ये नोट कर लीजिए बात, आप सेकर्ड ने ये बात कही थी कि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी उनका मतलब परिवार में कलहपूर्ण जीवन होने के कारण भी उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। छठा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते, मनोवैज्ञानिक कारक में यह आता है कि अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते, मान लीजिए आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ा है उसका मतलब आपको कम वेतन मिल रहा है, या आप ये सोचते रहते हैं कि बार बार उनकी नौकरी पक्की नहीं है, उनकी कभी ये कार्य करने से उनकी नौकरी ना चला जाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे भी नकारात्मक भाव उत्पन्न होते रहते हैं व्यक्ति के अंदर, ये जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर है व्यक्ति के ऊपर या शिक्षक के ऊपर वो भी उसके मतलब मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं।
और ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके कारण शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य या किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी इन चीज़ों से लगभग प्रभावित होता है। तो ये लगभग 6 कारक पढ़े हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। पहला कारक था शारीरिक कारक, शरीर में दोष होने के कारण भी, और आर्थिक कारक था दूसरा, तीसरा शैक्षिक कारक, चौथा था अनुवांशिक कारक, और पांचवा था सामाजिक कारक, और छठा है मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये 6 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति या शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने में। तो यदि इन कारकों के ऊपर कंट्रोल पाया जाए तो एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। और इनके आगे कुछ उपाय भी होते हैं कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किस तरह ठीक रह सकता है या किस तरह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। इनके लिए कुछ उपाय भी हैं, वो उपाय हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।